नौ दुर्गा आने वाली है कुंवर के महीने में। महिषासुर राजा जो था वो आदिवासी मूल निवासी राजा था, राक्षस नहीं था। दुर्गा कौन थी? अब बता दें आप लोगों को एक मिनट की बात है, जहां पर भी दुर्गा मंदिर बनता है दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है। जब तक उस दुर्गा की मूर्ति बनती है, जब तक उस दुर्गा की मूर्ति में बनाने के लिए वैश्यालय अर्थात वैश्या के घर के मिट्टी नहीं आती, तब तक दुर्गा की मूर्ति स्थापना पूरी नहीं होती। आप लोगों को समझने की जरूरत, मैं उसे बुरा नहीं कह रहा हूं। और दूसरी बात, आप लोग एक तरफ कहते हैं कुंवारी बिटिया जो होती है वो कन्या होती है, एक बात विचार करें, तुम्हारी बिटिया कुंवारी है, चार साल की है, पांच साल की, आठ साल की है, अगर मोहल्ले से निकले अगर उसे कोई अम्मा कह दे, मैया कह दे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बोलिए आप लोगों को कैसा लगेगा? आपकी बिटिया को अम्मा कह दे कोई, चार साल पांच साल की सात साल की बिटिया अम्मा कह दे, तो कैसे लगेगा आपको? खराब लगेगा ना। अब कुंवारी कन्या को देवी कहते हैं, और एक तरफ देवी कहते हैं और एक तरफ क्या कहते हैं, मैया। देवी मैया मतलब कुंवारी भी विवाहित है। किसी बड़े बड़े विद्वान से, किसी बड़े बड़े पंडित से पूछ लेना कि दुर्गा कुंवारी थी कि विवाहित, वो यही कहेगा दुर्गा कन्या थी और कुंवारी थी। विचार करना, हिंदू धर्म में कुंवारी कन्या का सुंदर जो है सोलह श्रृंगार करना अशुभ माना जाता। कुंवारी कन्या सोलह श्रृंगार नहीं करती है। अगर दुर्गा कुंवारी है तो श्रृंगार कैसा? अगर वो विवाहित है तो उसका पति कौन? अगर वो कुंवारी है तो सोलह श्रृंगार किसके लिए? क्योंकि मैया जी के ऊपर लाल चुनरिया चढ़ती, सिंदूर चढ़ता, बिंदी चढ़ती है, ध्वजा नारियल चढ़ता। अगर देवी मैया कुंवारी है तो श्रृंगार क्यों? अब अगर विवाहित है तो उनका पति कौन? ये मैं सवाल कर रहा हूं, विचार कर रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात का। अगर वो कुंवारी तो श्रृंगार क्यों? अगर वो विवाहित तो उनका पति कौन? ये रात भर सोना, सोचते रहना, विचार करते रहना, सुबह मिल लेना। बोली भगवान बुद्ध की। निवर्ता खूब रखना अम्मा बहनियों, आठ दिन करना, तुम्हारे पुरखा मारे इसीलिए भंडारा किया। अब हम लोग खुद ये भंडारा नहीं, ये तेरहवीं और दसवां है, पुरखों के मरने पर नौवे दिन मनाते हैं। अगर वो दुर्गा सात दिन बाद आ जाती सतवें दिन भंडारा होता, अगर पांच दिन बाद आ जाती तो छठे दिन भंडारा होता, अग्यार प्रति घी जलता। यही हमने कल बताया, नारियल फोड़ना पुरखों के खोपड़ी फोड़ना, जटा नारियल जलाना भंते लोगों की खोपड़ी को जलाना। आज मैं फिर बता रहा हूँ, होम अग्यार करना, अपने पुरखों का अपमान करना, दसवीं तेरहवा करना, अगर भंडारा खाना, कुंवारी खिलाना अपनी बिटिया को, उसमें क्या होता? ए बिटिया, देवी जी खड़ी हो गई, मेरी कहे इधर घूम बैठो, इधर कथा उधर हो रही, इधर इधर घूम, सामने बैठो बिल्कुल सीधे। अरे ये बिटिया तिरछी है का? इधर बैठो, सीधे हो जाओ, हाँ करंट लगाओ, घूम जाए। तो भैया लोग आप लोग समझिए, कहने का मतलब अपनी बेटिया को जब कुंवारी खिलाते हैं, आपने देखा तो कुंवारी खिलाने एक नेंगुला बनाया जाता, होता ही था कि नहीं? हाँ नेंगुला का कहते इधर का भैया, ये अपरेट है, जब बिटियन को कुंवारी खवाई थी बीच में बैठाया जाता है लड़का, एक का कहते लंगूर, हमारे उधर कह दिया तो मारे हो जी लंगूर है। लंगूर माने का होत? बंदर। लंगूर माने बंदर, एक लंगूरी बंदर, एक लंगूर मतलब उससे बड़ा वनमानो जी का खान। पांच कन्या सात कन्या बीच में बैठा दिया अगर लंगूर, हमारे उधर उसी को कहते नेंगुला। नेंगुला लड़कियन के पैर छुए जे सत्य, नेंगुलों को पैर छुए जे मतलब वही नौ कन्या समझ लो नेंगुला कर से विवाह दी नहीं गई। हम नहीं कह रहे, विचार कर लेना आप लोग, जितनी सेवा कन्यान की रही उतनी सेवा वही लंगूर की रही, जितना दक्षिणा कन्यान का उतने दक्षिणा नेंगुला के रहा, गलत तो नहीं बता रहे। कन्या चारी उत्तर बीच में बैठा लंगूर और खा रहा मस्त मस्त अंगूर। हाँ अब लोग विचार ही नहीं किए, बिटिया के तिलकों लगा दिए, खीर पूरी खिला दी, दक्षिणों दे दिए। अम्मा बहनी हो, कोई किरे घर में कुंवारी खिलाई जाए, अपनी बिटिया के न भेजो। बरात हो तब सिंदूर लगावा जात, बंधन लगावा जात, और
तुम्हारी बिटिया कुंवारी खावा जा तो क्या कुंवारी है पर ऐसे लगा दिया लंगूर के हाथों ऐसे भाषा हम अपने गांव वाली बोल रहे हैं, समझ में आ रही। लंगूरों के साथ जाज बिटियन के लगा दिया कुंवारे पर बंधन और चंदन चढ़ा दिया गया। अब बताओ तुम्हारे बिटियन की बेइज्जती है कि इज्जत? कुंवारी खिलाने नहीं भेजना। और अपनी बिटियन के नाम के आगे देवी नहीं लिखना। अगर बिटिया का नाम कोमल है तो कोमल देवी नहीं कोमल कुशवाहा, सोनम को देवी नहीं सोनम कुशवाहा, जूली देवी नहीं जूली कुशवाहा, पूनम कुशवाहा, रुचि कुशवाहा, अरे जो नाम हो देवी नाम के आगे नहीं, नाम के आगे कुशवाहा, मौर्य, गौतम, यादव, पाल, जो कुछ हो टाइटल लगा। कनौजिया तो कनौजिया, राठौर तो राठौर, धोबी तो दिनकर और कनौजिया, मौर्य तो मौर्य, कुशवाहा तो कुशवाहा, यादव, पाल, बघेल, जो कुल लगा। लेकिन देवी, देवी का मतलब होता है देवी। अभी देखे आप देवी को, देवी का मतलब समझ गए? देवी वही जो दुनिया के लिए काम करते हो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं। और देवी जी की इज्जत हम अब बता दे खुली खुली, अब इतने लोग बैठे समझ लेना, मनोरंजन भी आएगा और मजा भी आएगा और शिक्षा भी मिलेगी। हमारे समाज में, हमारे गांव में जब लैट्रिन बनती महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिला जाएगी तो पुरुष नहीं जा सकता। जब खेत होंगे जिस दिशा में महिला लैट्रिन जाएगी उधर पुरुष नहीं जा सकता। लेकिन मंदिर में जहाँ देवी का मंदिर होता है वह पुजारी कौन होता है? महिला नहीं होती। बजरंगबली का मंदिर वहां भी पंडित जी पुजारी जेंट्स, और देवी का मंदिर उसमें भी पुजारी जेंट्स। बजरंगबली के लंगोटी बदलने वाला आदमी और मैया जी की अंडरवियर बदलने वाला कौन? बोलो ना। अम्मा जी प्रकटो नहीं होती, देवी मैया प्रकट हो जाए कि हम लेडीज हैं, हमारी अंडरवियर लेडीज बदले। लेकिन पुजारी उनके कपड़ा उतार देते, उनका नहलाता, उनके कपड़ा कौन बदल देता? पुजारी। अरे वो लेडीज है ना। अब भगवानन की बात एक बता दें, अब समय तो हो गया लेकिन समय की बात नहीं, समझ लीजिए। ये मोबाइल है, देखना आप लोग, ये मोबाइल है, आपको समझ में आ रहा होगा ये ऊपर का हिस्सा और ये दिख रहा है आप लोगों, ये नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा। मंदिर में हमारे भक्त लोग जाते वहां पथरा रखे, न नाक बनी न मुंह, न पैर बना न खोपड़ी। अब आज गया भक्त, भक्त ने क्या किया, लड्डू लेके गया, इधर से भगवान को चढ़ा दिया, वो चढ़ा के चला आया। अब कुत्ता आया, कुत्ता ने देखा भगवान पे लड्डू चढ़े, लड्डू खाया, भगवान को लात मार के मुंह के पलट दिया। सुबह भक्त आया, सुबह भक्त आया, भगवान देखे पलटे पड़े, भगवान को खड़ा कर दिया। फिर समझ में आ रहा है कैसे खड़ा कर दिया? कल भगवान इधर को ऊपर थे, जब इसमें नाक मुंह बने ही नहीं तो भक्त दूसरे दिन मालूम क्या इधर के बजाय उधर को खड़ा कर दिया। कल इधर से लड्डू खिला रहा था, आज इधर से लड्डू खिलाने लगा। भगवान यूं नहीं कहा था मुंह हमारा नीचे है कि ऊपर है? ऐसे भगवान ने तुम लोग माना तो कल्याण हुई। भगवान नीचे उस खाए ऊपर उस खा रहे। तो सबसे बड़ा भगवान अम्मा बप्पा माता पिता की सेवा कर लो, किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े बाबा लोग, बड़े बड़े बाबा लोग दुनिया का गुरुमंत्र देते रहे, वही बाबा लोग बड़े बड़े जेल पड़े, आसाराम, बापू राम, रहीम, रामपाल, हनी प्रीत, पता ना करते करते अब बच गए। अब कहीं भी नहीं ना तो शनिश्चर देवता नाराज हो जाए है, बच गए ना हाथ रस कांड में, या भोले बाबा चले जाते, कुछ भी बच गए। नजर बट्टू बजर बट्टू बांध के घुस जाते आनंद बिल में, और जब बाबन पावे आफत तो बाबा चुक पता नहीं कहाँ चले, बाबन को पता ही नहीं लागा था। बाबा जी के हम घर पे कार्यक्रम कर आए, भोले बाबा के साकार विश्वहरि बाबा जो है बहादुर नगर में राहत पटियाली के आगे लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर नहर के किनारे उनका गाँव है, और नहर के उस पार एक गांव है जैसे आप लोगों का गांव है वहीं पर गांव है नखडरू, वहां अपनी पूरी बिरादरी के लोग रहते हैं 7 किलो। वहाँ प्रदीप भैया ये हमारी रिकॉर्डिंग वाले ये गए हैं वहां 3 बार कथा हो चुकी। तो वहां 7 किलो रहते, हम लोग लेटरिन जाते थे नहर पे, तो हम पूछे ये कौन? वो एक दिन है कोई, हफ्ते में एक दिन आता, उस दिन वहां भीड़ लगती है, मंगलवार या बुधवार ऐसे कोई दिन है। कल्याण हो और गरीब रही हो तो तुम्हारा कोई भला करे वाला ना भागी, न भगवान, न अल्लाह, न प्रभु, न गाड, न कोई, साकार भी सॉरी कोई नहीं। पैसा तो